जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 माह होते हैं और हर एक मंथ के अलग अलग डेज होते हैं। बच्चे याद करते हैं जैसे कि जनवरी हैज 31 डेज, फेब्रुवरी 28 और 29 डेज, लेकिन ये हमेशा भूल जाता है। तो इसके लिए ट्रिक्स है, अगर बच्चा मराठी मीडियम में पढ़ता है तो उसे ए नो स जून 30, बस इतना ही सिखाना है। ए का मतलब है अप्रैल, नो का मतलब है नवंबर, स का मतलब है सितंबर और जून। ये चार ही ऐसे मंथ होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। जो मंथ इससे अलग लेटर से स्टार्ट होता है उसमें 31 डेज, ठीक है। अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम में है तो उसे ये सिखाना है ए एन एस, इसका मतलब है आंसर का शॉर्ट फॉर जून 30, यानी अप्रैल नवंबर और सितंबर के साथ जून में 30 डेज होते हैं। बाकी बच्चे जो भी मंथ है या तो 31 डेज के होंगे एक्सेप्ट फेब्रुवरी, क्योंकि फेब्रुवरी 28 या 29 का होता है। तो ठीक है, ये बहुत और सिंपल तरीका है मंथ्स और डे याद रखने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।